प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डीजी सर पर। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सेशन। सेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि नागरिक शास्त्र के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला पर आप लोगों के साथ बात होने जा रही है, और उसके साथ ही साथ कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए पॉइंट है, कक्षा 12 के विद्यार्थियों का। और ये उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड प्रयागराज UPMSP पर ये महत्वपूर्ण मॉडल पेपर एडिशन और लेटेस्ट है। यहाँ से प्रश्न आप लोग के एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा आप लोग को देखना है। और याद रखिएगा, यदि ज्यादा नंबर पाने की है इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा। तो चलिए इसी उद्देश्य के साथ करते हैं इस सेशन को हम लोग स्टार्ट। इंटरमीडिएट परीक्षा प्रतिदर्श प्रश्न पत्र कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए नागरिक शास्त्र, जिसे हम लोग सिविक्स भी बोलते हैं और राजनीतिक विज्ञान के रूप में भी देखते हैं, पॉलिटिकल साइंस के रूप में भी। तो चलिए करते हैं स्टार्ट बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। यहाँ पर जब हम लोग खंड क में बढ़ते हैं तो यहाँ पर स्टार्ट होता है आप लोग का सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला। जब बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला में देखिए बढ़ते हैं, तो पहले देखिए कौन से प्रश्न आप लोग को देखने को मिल रहे हैं, इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए जब यहाँ पर बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर, तो पहला प्रश्न आपका क्या है, कौन सी संधि जो परमाणु निःशस्त्रीकरण से संबंधित है। तो देखिए ये सीधा सीधा आपका क्या हो जाएगा, एनपीटी। कौन हो जाएगा, एनपीटी। कमेंट बॉक्स में जाइए, एनपीटी का फुल फॉर्म आप लोग जरूर बताइए। चलिए बढ़ते हैं दूसरे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर, वैश्वीकरण किस प्रकार की अवधारणा है। देखिए वैश्वीकरण के बारे में हम लोग बात करें तो ये एक जटिल और बहुआयामी है, बहुआयामी अवधारणा है। तो देखिए यहाँ पर जो घ ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा, बहुआयामी। तीसरे इंपॉर्टेंट प्रश्न में बढ़ते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वायुमंडल के संदर्भ में सही है। वायुमंडल में ओजोन गैस की मात्रा बढ़ रही है, वायुमंडल में ओजोन गैस की मात्रा घट रही है, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की मात्रा जो 58% है उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए वायुमंडल में ओजोन परत जो देखिए भाई छीड़ हो रहा है ना, तो ओजोन परत या ओजोन गैस की मात्रा क्या हो रही है, घट रही है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। शॉक थेरेपी का क्या अर्थ होता है। देखिए क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, आघात पहुंचा कर उपचार करना, किसी को पीट कर उसका इलाज करना, एक तरीके से जो है शॉक थेरेपी कहलाता है। तो चौथे प्रश्न का विकल्प नंबर क जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। WSF का पूरा नाम क्या है, वर्ल्ड सोशल फोरम। वर्ल्ड सोशल फोरम, देखिए W से वर्ल्ड हो जाएगा, S से सोशल हो जाएगा, और F से जो होगा वो फोरम हो जाएगा। तो पांचवे का विकल्प नंबर क जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पास हुआ था, तो ये पास हुआ था 1956 में। अगर डेट आप जानना चाहेंगे तो 31 अगस्त 1956 को। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ था, तो 31 अगस्त 1956 को। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। खाद्य संकट से सर्वाधिक प्रभावित राज्य कौन था। देखिए ये प्रश्न का राइट आंसर जो हो जाएगा वो बिहार, यानी बिहार राज्य था जो था वो खाद्य संकट की जब समस्या आई हुई थी तो उसमें सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था बिहार राज्य। बॉम्बे प्लान का क्या उद्देश्य था। तो देखिए बॉम्बे प्लान के बारे में अगर बात किया जाए तो देखिए मुख्य रूप से जो इसमें आर्थिक दृष्टिकोण से यानी अर्थव्यवस्था पर लेके बातें की गई थी, तो भारत का आर्थिक विकास करना देखिए मुख्य रूप से यहाँ पर जो इसका प्रमुख लक्ष्य था बॉम्बे प्लान का। ठीक है ना, कैसे बढ़ावा दी जाए, कैसे क्या किया जाए, इस पर बात किया गया था। नौवां देखिए प्रश्न क्या, 1975 ईस्वी में आपातकालीन घोषणा के समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था। इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा वो इंदिरा गांधी, करेक्ट हो जाएगा। देखिए उस समय अगर जब कहा जाए आपातकालीन जब घोषणा हुआ था 1975 में, तो उस समय जो तत्कालीन राष्ट्रपति राष्ट्रपति साहब जो थे उनका नाम था फखरुद्दीन अली अहमद। कौन थे, फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है ना, और 352 यानी अनुच्छेद 352 के तहत प्रधानमंत्री कहने पर यानी इंदिरा गांधी जी कहने पर उन्होंने क्या किया, आपातकाल की उन्होंने घोषणा कर दी थी। ठीक है, 25 जून 1975 कब किया गया था, 25 जून 1975। और अगर देखा जाए टोटल ये जो था 21 महीने का यही टोटल था अवधि में भारत में देखिए आपातकाल थी। टोटल अगर पूरा जाए पूरा समय पूछा जाएगा तो 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक, बहुत ही लंबा कार्यकाल है ये समय है। ठीक है, किस दशक की स्वायत्तता का दशक कहा जाता है। कमेंट बॉक्स में जाइए इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, एक प्रश्न आप लोग को देना बहुत जरूरी है, किस दशक को स्वायत्तता का दशक कहा जाता है। कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का उत्तर जरूर दीजिएगा। बढ़ते हैं अतिलघु उत्तरी प्रश्नों की श्रृंखला में। देखिए सुरक्षा से क्या तात्पर्य है, किन्हीं दो अस्त्र नियंत्रण संधियों के नाम उल्लेख करना है। यहाँ पर वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, इन सभी प्रश्नों को देखिएगा, और लगभग 100 जो वीडियोज हैं वो आप लोग के पॉलिटिकल साइंस के सिविक्स पर मिल जाएंगे डीजे चैनल पर।
यदि उस पूरे को देख लेते हैं तो ये सब प्रश्नों के जो उत्तर हैं उसको तो आप यूं ही उड़ा देंगे, और एक जबरदस्त कॉन्फिडेंस आप लोग के अंदर मिलेगा एग्जाम के दृष्टिकोण से देखा जाए तो, चाहे एग्जाम हो, प्री बोर्ड एग्जाम हो, कुछ भी रहे, तो आपके दिमाग से डर निकल जाएगा एग्जाम का। पृथ्वी सम्मेलन किस समस्या को लेकर आयोजित किया गया था? साझी संपदा का क्या अर्थ है, ठीक है ना, और केंद्र में प्रथम बार गठबंधन सरकार कब बनी थी, सिंडिकेट का क्या अर्थ है, देश के विभाजन से प्रभावित होने वाले दो राज्यों के बताइए, अल्पतम सरकार क्या है, मध्यावधि चुनाव किसे कहते हैं। अब जब बढ़ते हैं हम लोग लघु उत्तरी प्रश्नों की श्रृंखला में भागवन की ओर, देखिए ये है लघु उत्तरी प्रश्न भागवन, इन सभी प्रश्नों को देख लीजिए, जिन प्रश्नों में आपको दिक्कत होता है डिस्कशन कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा, मैं निश्चित तौर पर उसका जो सलूशन आप लोग को उपलब्ध कराऊंगा। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर लघु उत्तरी प्रश्नों की श्रृंखला में भाग, देखिए दो यहाँ पर है, यहाँ पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण, देखिए क्वेश्चन नंबर 30, देखिए कर्ण से ही चीजों को जोड़कर पढ़ना चाहिए, ठीक है डिस्कशन। अब जब बढ़ते हैं यहाँ पर तो देखिए दीर्घ उत्तरी प्रश्नों की श्रृंखला, ये भारत पाकिस्तान युद्ध, भारत भारत पाकिस्तान संबंध और भारत चीन संबंध, देखिए इन दोनों को तैयार अगर आप करते तो एक तो आपको फिक्स है मिलना ही एग्जाम में। तो डिस्टेंस ये रहा महत्वपूर्ण मॉडल पेपर, आज का ये महत्वपूर्ण मॉडल पेपर आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, और याद रखिएगा यदि ज्यादा नंबर पाने की ये इच्छा तो डीजे सचलन से जरूर लीजिएगा शिक्षा, इसे कर दीजिए अपने क्लासमेट पर शेयर, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन है आप सभी लोगों के नियर, मैक्सिमम देखिए चांसेस जो है आप लोगों के फरवरी के सेकेंड वीक से एग्जाम जो है होने के पूरे पूरे चांसेस बने रहे हैं आप लोग के, बोर्ड एग्जामिनेशन के प्री बोर्ड तो आपका जनवरी में ही, जनवरी के ही सेकेंड वीक में आपका स्टार्ट हो जाएगा, तो समय बिल्कुल भी नहीं है, एकदम जम कर पढ़िए, डीजे सर चैनल के साथ जुड़ कर पढ़िए और रेगुलरली स्टडी कीजिए, ठीक है डिस्टेंस, क्योंकि समय बिल्कुल भी आप लोगों के पास नहीं है। दिसंबर में देखिए आज 1 दिसंबर है, फिर दिसंबर का महीना कब निकल जाएगा आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा, फर्स्ट आप देखिए मैं आज बनाया हूँ मैंने, और ये 2 सितंबर को यानी आज आप लोग को ये वीडियो देखने को मिलेगा 2 दिसंबर को, तो डिसंबर देखिए तैयारी अपनी जबरदस्त रखिए आप लोग, ठीक है, समय ऐसे बीतेगा आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपका बोर्ड आ जाएगा, तो जमकर तैयारी कीजिए और रेगुलरली स्टडी जरूर कीजिए, जल्दी मिलते हैं किसी अन्य किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक गुड बाय, जय हिंद जय भारत, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का हृदय ग्रह और सभी पूर्वक धन्यवाद।